हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आज देख रहे हैं, आपके लिए लाए हैं हम डोंट कंफ्यूज ग्लाइकोजेन ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब आप देख पा रहे हैं। तो ये टर्म बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, है ना। अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज में होते हैं और मैंने चाहता कि आप और हम कंफ्यूज में ना रहें। तो चलिए समझते हैं इस छोटा सा एपिसोड में। देखिए, नंबर वन में आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन का मतलब क्या होता है? आपने जो फूड खाया, लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनेंगे ना सुनेंगे सारा गड़बड़ कर देंगे आप, क्योंकि मिलता जुलता करना। आप देखिए ना, ग्लाइकोजेन ग्लूकागोन ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लास्ट में है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नहीं है? ग्लाइकोजेन ग्लूकागोन ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, बड़ा कंफ्यूजन टर्म है। तो लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनेंगे, एवरीथिंग क्लियर। चलिए, पहला है आपको ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर इन आवर टिश्यू। आपने जो खाना खाया, सिंपल तरीका से आपने जो खाना खाया और जो टिश्यू के रूप में टिश्यू स्टोर किया, आपने जो खाना खाया और टिश्यू के पास जो एनर्जी स्टोर है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वो आपका क्या है? ग्लाइकोजेन है। तो स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर टिश्यू इज कॉल्ड ग्लाइकोजेन। चलिए सेकेंड, ग्लूकागोन। चूंकि आपको पता है कि पैनक्रियाज में तीन सेल होता है, अल्फा सेल बीटा सेल और डेल्टा सेल, गामा सेल नहीं, अल्फा सेल बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल क्या करता है? ग्लूकागोन को रिलीज करता है। क्या करता है? ग्लूकागोन को रिलीज करता है। बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को निकालता है। और डेल्टा सेल क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन दोनों को इनहिबिट करने का काम करता है। तो यहां पे क्या है आपका? ग्लूकागोन है तो पैनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल्स होता है जो निकालता है ग्लूकागोन को। चलिए क्लियर हो गया। थर्ड में आएंगे ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। देखिए ध्यान दिया, ग्लाइकोजेनेसिस का फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन का बनना, देखिए ग्लाइकोजेन समझना आ गया ना। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन कहां से? प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स फ्रॉम ग्लूकोज। मतलब क्या? आपके बॉडी में प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट का बनना और आपके लिवर और आपके मसल्स में स्टोर होना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए जहां भी बाल्टी में टर्म आइए सीस आ जाए, जेनेसिस आ जाए, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जहां बाल्टी में आ जाए लाइसिस आ जाए, लाइसिस वहां होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब टूटना और सीस का मतलब फॉर्मेशन, है ना, उसका मतलब फॉर्मेशन होना, बनना। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जेनोलाइसिस तो ग्लाइसिस है ना, लाइसिस है ना। तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। आपका ग्लाइकोजेन है अब किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो यार सबको पता होता है जवान पे, C6H12O6। तो ये आपका क्या हो गया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब क्या? मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसके पास क्या हो? केटायन एंड एनायन, केटायन एनायन के दौरान ग्लूकोज बनता हो और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो कि आपको लैक्टेट और एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में हो। सर नहीं समझना है, फिर से कहता है मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। मतलब क्या? नॉन कार्बोहाइड्रेट से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब जैसे कि आपका लैक्टेट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल, इससे ग्लूकोज बनता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। पहला क्या था? पहला ग्लाइकोजेन, आपने जो खाना खाया कार्बोहाइड्रेट के रूप में टिश्यू के, कार्बोहाइड्रेट टिश्यू के रूप में फॉर्म है, टिश्यू में फॉर्म है, स्टोर है, उसको बोले ग्लाइकोजेन बोले। ग्लूकागोन क्या बोले? ग्लूकागोन आपके पैनक्रियाटिक सेल में अल्फा सेल के द्वारा निकलेगा, ग्लूकागोन बोले। तीसरा आप बोले ग्लाइकोजेनेसिस तो कुछ नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन जो कि स्टोर होगा हमारा कहां पे? मसल्स में और लिवर में होगा। फिर बोला ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन किस में? ग्लूकोज में।
लास्ट में बताती है कि देखो जी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जैसे कि लैक्टेट अमीनो एसिड ग्लिसरॉल इससे ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। आई होप ये छोटा सा एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। तो आप देख पा रहे हैं डोंट कंफ्यूज ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो थैंक्स, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, छोड़ते हैं नहीं, लगातार पढ़ते रहिए, बने रहिए आप अपने प्यारे चैनल चिकित्सक टेबल सभी के साथ। थैंक यू सो मच।